बच्चों वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों क्लास सेवेंथ का मैथ का जो है बच्चों डेटा हैंडलिंग कवर करेंगे आज, और बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिससे कि आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं बच्चों के डेटा होता है क्या। राइट, तो देखो एक क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, व्हाट इज डेटा। राइट, डेटा क्या होता है बच्चों? तो डेटा क्या होता है, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होता है, उनके अकॉर्डिंग हमें समझना होगा। जैसे आप देखते होंगे कि आप जब आपके जो मार्क्स आते हैं स्कूल में, ठीक है, जैसे अगर आपने एफए वन में दिया तो हिंदी में 10 मार्क्स आ गए, मैथ्स में 15 मार्क्स आ गए, इंग्लिश में 13 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होता है डेटा। ठीक है, वैसे डेटा कई टाइप्स के भी होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। बट हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ डेटा को समझना है। तो डेटा क्या होता है, आपके मार्क्स हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, आपके अलग अलग एग्जाम में, जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो उसमें अलग अलग मार्क्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होते हैं, किसी सब्जेक्ट में कम होते हैं ये सारे मार्क्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी कह सकते हैं बच्चों। मान लो कि वन वीक में कितने 8 डेज होंगे, तो सभी डेज के अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो उसका भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है। उसके बाद एक्सपेंसिव आता है बच्चों, एक्सपेंसिव से बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है बच्चों कि जैसे मान लो आपका बर्थडे है, राइट, तो आपके पापा ने आपके लिए क्या करेंगे बच्चों, बहुत सारे चीजें लाएंगे, तो उनके भी कैटेगरीज लिस्ट बनाते हैं कि केक लाना है आपके लिए, नमकीन लाना है ना, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सभी लाने होते हैं, तो उनका एक डेटा, एक टेबल्स बना लेते हैं। ठीक है, या सबसे पॉपुलर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्रिकेट का होता है बच्चों, है ना। तो देखोगे कि एक ओवर में कितने रन्स बना लिए, 10 ओवर्स में कितने रन्स बना लिए, तो ये सभी डेटा क्या होता है बच्चों, एक डेटा को कलेक्शन करना ही क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक है, तो देखो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों कि मार्क्स हो जाएगा, टेम्परेचर, एक्सपेंसिव, क्रिकेट का स्कोर, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है बच्चों। ठीक है, तो डेटा समझ में आया, डेटा होता है क्या, कहाँ से डेटा लेंगे, या आपके स्कूल में क्लास में जो जितने बच्चे हैं उनके रोल नंबर का भी डेटा हो सकता है। ओके, अब हम समझते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन करने का बहुत तरीके हैं बच्चों, बट आपने जो सिलेबस में है वो दो तरीके हैं। राइट, एक क्या है बच्चों, बाइक होता है टैबलर फॉर्म से हम समझेंगे, क्या समझेंगे बच्चों, टैबलर। टैबलर मतलब क्या होता है, जो टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैबलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो चलो टैबलर को समझते हैं। तो देखो हमने एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया आपको, तो नंबर ऑफ बुक्स हमने ले लिया, तो यहाँ पे देखो मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है और इंग्लिश की बुक है। तो अब यहाँ पे हमने लिया है बच्चों, यहाँ पे देखो एक फ्रीक्वेंसी वर्ड आया, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो सब ज्यादा बार आता है, मतलब जितने टाइम्स आ चुके हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 5 बुक्स है, यानी 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर साइंस लेते हैं तो साइंस 5, मतलब फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ, वो उतने टाइम्स होते हैं, मतलब 5 टाइम्स है तो 5 हो जाएगा, या 5 नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपकी बिगनिंग भी होती है। वैसे आपने 6 क्लास में टैली मार्क्स पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप देखो अगर 1 रोमन नंबर का टैली मार्क्स क्या होता है 1, 2 का टैली मार्क्स क्या होता है बच्चों 2, 3 का टैली मार्क्स क्या होता है 3, 4 का टैली मार्क्स क्या होता है 4 होता है, और 5 का टैली मार्क्स क्या होता है 1, 2, 3, और ऐसे लिख देते हैं बच्चों। और 6 का टैली मार्क्स क्या होगा, इसमें जो 6 का टैली मार्क्स लिखते हैं 1, 1, 4 हो गया 5, और इस तरीके से लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट वो बना के चलते हैं टैली मार्क्स, क्लियर। तो चलो यहाँ पे देखते हैं टैली मार्क्स को पुट ऑन करते हैं। तो देखो 5 का टैली मार्क्स तो क्या लिखोगे 1, 1, 2, 3, 4, और ये इसको इस तरीके से कट कर दोगे तो 5 हो जाएगा। 8 लिखना है तो 1, 1, 1, 1, ठीक है बच्चों, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 6, 7, 8, तो 8 टैली मार्क्स हो गया आपका। अब अगर आपको 7 लिखना है 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया और ये बन गया 5, 6, 7, तो ये हो गया हमारा टेबल। तो ये क्या हो गया टैली मार्क्स का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैबलर फॉर्म बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, टैबलर, जो टेबल में दिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली बताओ बच्चों टैबलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो टैबलर। अब देखो दूसरा फॉर्म जो है बार बॉक्स है बच्चों,
बार बॉक्स है, इस पे कई क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, इसको ध्यान से समझो बच्चों, जिससे कि आप एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, तो देखो बार ग्राफ की अगर हम बात कर ले तो देखो नंबर हमने यही डेटा को उठाया और उसको ग्राफ पे बनाने का प्रयास किया। आपके पास ग्राफ शीट होगा, ठीक है, और ग्राफ पे आपको बनाना होगा। हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। ओके, तो देखो हमने नंबर ऑफ बुक्स ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे उनके फ्रीक्वेंसी लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा है, ये जो हमने यूनिट लिए है बच्चों, ये जो यूनिट है ये वंस का यूनिट है बच्चों, ये 1 2 3 4 ऐसे आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने लिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 9। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है बच्चों, 8 का। तो फिगर देखते ही पता चल जाता है कि किसका है बच्चों, साइंस का जो बुक है ना बच्चों, ये मान लो हमने इसको डिजाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये डिजाइन कर दिए चलो मान लो, तो ये क्या हो गया साइंस का, ठीक है बच्चों, ये साइंस का बुक सबसे ज्यादा है। तो फिगर देख के ही हमें पता चल रहा है कि साइंस की बुक ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखो 5, तो 5 कौन है बच्चों, मैथ्स की बुक है, तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से कलर कर लो, या आप मल्टी कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की बुक 7 है, तो आप चाहो तो इनको इस तरीके से आप डिजाइन दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मैथ्स का बुक हो गया, ठीक है, मैथ्स का बुक, और ये क्या हो गया इंग्लिश का। तो इससे हमें पता चल रहा है कि साइंस सबसे ज्यादा है, फिगर को देख के हमें पता चल रहा है। मतलब कहानी ये हुआ कि कैलकुलेशन को समझने के लिए ग्राफ बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान मेथड है, आप देख के उसके आंसर दे सकते हो, है ना। देख लो आप ही बताओ, देख के दे सकते हो या नहीं। तो देखो इस फिगर को अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कौन से बुक है, आप क्या बोलोगे, सर साइंस का बुक है, क्यों, देख से पता चल रहा है सबसे बड़ा है। और मैं सबसे कम बोल दूं, सबसे कम बुक किसकी है, तो आप क्या बोलोगे, सर मैथ की बुक है, क्यों, क्योंकि फिगर आप देख रहे हैं। तो इसके बीच में अगर मैं आप ये से पूछूं कि जो दोनों के बीच में कौन से बुक्स है, तो क्या बोलोगे, इंग्लिश, ऑब्वियसली बोल दोगे बच्चों, है ना। तो ये इंग्लिश, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये सिंगल बॉक्स है बच्चों, राइट, बार बॉक्स इन अ सिंगल। आपके बुक में डबल पे भी क्वेश्चन है, राइट, तो चलो इनको समझते डबल पे। तो डबल बार ग्राफ जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। तो डबल बार ग्राफ मतलब ये जब यूज करते हैं जब किसी दो चीज का कंपेयर करना होता है। जैसे मान लो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स आए और सेकेंड सेमेस्टर, इन दोनों का कंपेयर्स कर लोगे, या मान लो आप और आपके सिस्टर्स या ब्रदर दोनों एक ही क्लास में हैं, उन दोनों का कंपेयर, मतलब ये डबल जो होता है, डबल बार ग्राफ का जो यूज होता है वो कंपेयर करने के लिए होता है, दो चीजें को कंपेयर कर सकते हैं आप, राइट। तो चलो इन कंपेयर को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो हमने एक क्वेश्चन उठा लिया है जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कह रहे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर्ष इन FA1 एंड FA2। तो मान लो हर्ष कोई स्टूडेंट है, वो FA1 में इंग्लिश में उन्होंने 30 मार्क्स लाया और सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने क्या लाया, या FA2 में लाया उन्होंने 40 मार्क्स, राइट, और मैथ्स में उन्होंने लाया फर्स्ट में 50 और सेकेंड में लाया 40, राइट। अब इनको हम ग्राफ से एनालाइज कर रहे हैं, तो ग्राफ से अगर एनालाइज कर रहे हैं तो देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट को इंग्लिश नाम दे देते हैं। अब ये ग्राफ हमने बना लिया, देखो डबल का, यहाँ पे भी डबल है, तो हमने डबल बार ग्राफ बना लिया और ये डबल। तो देखो इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहला हमें ये जो स्केल लेते हैं ना ये ध्यान देना है। तो हमें वैल्यू बड़ा है तो स्केल बड़ा कर देंगे, जितनी वैल्यू बड़ी होगी आप उतनी बड़ा स्केल कर देना, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या है 10 का मल्टीपल में स्केल ले लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी तो है नहीं, तो हम इसका जो स्केल ले लेंगे ना, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, मतलब आप जी हो जाएगा 0, ये इसको आप 10 बोल सकते हैं, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70। तो इस तरीके से अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे दिया जाए तो आप बड़ा स्केल ले लेना, 100 का यूनिट ले लेना, 100 का ले लेना, 1000 का भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेना है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये ग्राफ, ये हमें क्या इंग्लिश को कंपेयर करेंगे। तो देखो इंग्लिश के अगर हम कंपेयर कर लें तो देखो इंग्लिश में 30 मार्क्स आया है, ये क्या हो गया बच्चों, इसमें जो इंग्लिश में क्या है,
इंग्लिश में जब उन्होंने एफ ए वन दिया था तो उनको इसमें एफ ए वन में कितने मार्क्स आए? 30 मार्क्स आए। ठीक है, ये क्या है सब्जेक्ट? इंग्लिश की कंपेयर्स है। और ये जो है बच्चों, ये सेकंड सेमेस्टर का, ये क्या है? सेकंड, यानी एफ ए टू बोल दो तो इससे आपको कंपेयर पता चल रहा है। मल्टी कलर आप कर लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश की कंपेयर। तो देखो दोनों में कंपेयर पता चल रहा है कि इन्होंने एफ ए वन में उन्होंने 30 मार्क्स लाया और एफ ए टू में उन्होंने 40 मार्क्स लाया। तो फिगर देख के आसानी से आप कंपेयर कर पा रहे हैं। ओके, अब इसमें देख लो मैथ्स के अगर कंपेयर कर ले हम तो देखो मैथ्स का अगर हम फर्स्ट की बात कर ले, ठीक है, तो देखो फर्स्ट में उन्होंने कितने मार्क्स लाए? फर्स्ट में उन्होंने 50 मार्क्स लाया और सेकंड में उन्होंने, सेकंड में कितना लाया बच्चों? सेकंड में उन्होंने 40 लाया। तो इस तरीके से हम कंपेयर देखने से पता चल रहा है, अरे ये तो कितने 10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ये क्या था, कुछ कॉमन सा डिफरेंस था इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया? तो आप इनको अच्छे से नोट करो, और भी इनके कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो चलो उनको समझते हैं। तो वो क्या है बच्चों, वो देखो जो है एक मीन है, हमें मीन समझना है, मीडियन को भी समझना है, मॉड समझेंगे, रेंज समझेंगे एंड प्रोबेबिलिटीज। फिर आपको क्या होगा, ये सभी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मीन को समझते हैं, मीन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मीन को अगर आप समझते हो, मीन मतलब क्या होता है? माध्यम यानी बीच का, है ना, मीन हो गया। मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो लिख लीजिए आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखो मीन निकालोगे कब, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस तरह से पूछेंगे। आपको कहेंगे फाइंड द मीन, ध्यान से देखो, फाइंड द मीन। ठीक है, मीन कहेगा ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, राइट। जैसे मान लो आपको दे दिया है 2, 1, 5, 2, 4। ठीक है, अब ये आपको ऑब्जर्वेशन वैसे बहुत दे सकता है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इस तरीके से हम वैल्यू ले रहे हैं, राइट। तो देखो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन दिया है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे मीन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अपॉन में क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो 2 + 1 + 5 + 2 + 4 अपॉन में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हम तो सबको ऐड कर दो, उससे डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो 5 1 हो जाएगा 6, 6 4 हो जाएगा 10, और 10 2 क्या हो जाएगा, 12, और 12 2 क्या हो जाएगा, 12 to 14, तो 14 by क्या हो जाएगा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2.8 निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। तो क्लियर समझ में आया मीन क्या होता है, अच्छे से समझ में आया? चलो इसको नोट करो, फिर हम देखेंगे मीडियन को। ओके बच्चों, चलो नोट करो इनको फटाफट, करे रफ ओके, या फिर आप इनको पोज करके नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलो अब इनको रफ करते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है बच्चों वो है मीडियन, राइट। मीडियन क्या होता है उनको समझते हैं हम। तो देखो मीडियन जो होता है, मीडियन मतलब क्या होता है बच्चों, बीच का है ऑब्वियसली। तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप क्या मुझे बता पाएंगे कि इसका मीडियन क्या होगा? जैसे मान लो हमने आपको 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया बच्चों, ठीक है, 6 दे दिया और 1 दे दिया, राइट। अब मुझे इसका मीन बताओ क्या होगा, ठीक है, मीन बताओ। तो कोई कह रहा होगा कि सर ये इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से 5 मीन है बच्चों, राइट। तो देखो बच्चों 5 ये तरीका जो है ना, ऐसे में हो सकता है कि तुक्के में आपके कोई आंसर करेक्ट भी हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्टली ये करेक्ट नहीं है बच्चों, दिस वे इज नॉट प्रॉपर वे। ओके, इसके लिए क्या करना होता है, मीडियन के लिए ओनली
ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, अरेंज करना पड़ता है। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा उनको क्या करेंगे, आप अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे सर? दो तरीके से आप अरेंज करेंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्लियर समझ में आया? असेंडिंग समझ में आता है बच्चों क्या होता है बताइए? असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट? क्लियर। तो आप इनको आप इस तरीके से अरेंज करें, तो देखो सबसे छोटा क्या है, मान लो असेंडिंग, असेंडिंग असेंडिंग में अगर हम इनको अरेंज कर लें तो क्या हो गया, पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है बच्चों, फिर 5 और 6। अब बताओ 5 आ रहा है क्या? नहीं ना। तो इन दोनों के बीच में अब ये पेयर लगाएंगे, ये पेयर लगाएंगे, ये और ये, बच गया क्या 3। तो मीडियन क्या हो गया बच्चों, ठीक है, मीडियन क्या निकल के आया 3। तो हो सकता है कभी तुक्के में ऐसे में आंसर आ भी जाए आपको, तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से आप करोगे, या तो असेंडिंग में सजा लो या डिसेंडिंग में सजा लो, तो दोनों में से कोई एक आंसर आपके बन जाएंगे। तो आई थिंक मीडियन क्लियर हो गया बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो है बच्चों मॉड, ठीक है। मॉड क्या होता है, इससे आप फैमिलियर्स हैं, आप इनको समझते भी होंगे कि मॉड क्या होता है, ओके। तो चलो मॉड को समझ लेते हैं। मॉड मॉड क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ होता है उसमें जो मैक्सिमम नंबर आता है, यानी अधिक बार जो आता है, वो हमारा क्या होता है, मॉड होता है। क्लियर समझ में आया? ओके चलिए हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द मॉड 1, 2, 5, 2, 3, 2, 9, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्वेशन दिया है और इसमें कह रहा है फाइंड मॉड। तो देखो बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि जो मॉड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया वो देख लो। देखो बच्चों 2, 2, 2, सबसे ज्यादा बार क्या आया? 2 आया। तो मॉड क्या निकल के आ जाएगा बताइए? मॉड क्या निकल के आ जाएगा? 2। तो ये आपको मॉड भी क्लियर हो गया। बाकी और इन पे वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में करवाऊंगा, ठीक है। ये तो बहुत कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक्सरसाइज बाकी है बच्चों, ठीक है। तो देखो हमको मॉड क्लियर हुआ, ओके। अब देखो बच्चों, अब सर ये मुझे बताइए, क्या कोई रिलेशन है किसके बीच में, ठीक है, दोस्तों के बीच में नहीं, मीन मॉड और मीडियम के बीच में? तो यस बच्चों, इसके बीच के रिलेशन भी है, उस रिलेशन को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, इंपेरिकल, ठीक है बच्चों। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है बच्चों, मॉड इक्वल्स टू 3 × मीडियन, ठीक है बच्चों, 3 × मीडियन, 2 माइनस क्या होता है, मीन होता है बच्चों, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मॉड इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 × मीडियन - 2 × मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक निकालो, हो सकता है कि आपको मॉड दे दे, मीडियम दे दे और आपको मीन पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे चेंज करके आप निकाल सकते हैं। 3 क्वांटिटीज है तो 2 वैल्यू हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, उनके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो ये क्लियर हुआ बच्चों, चलो इसको नोट करो। उनके बाद एक वर्ड आएगा आपको बच्चों, रेंज, ठीक है बच्चों, रेंज, रेंज आएगा। तो रेंज जब भी निकालते हैं बच्चों, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है। जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा उसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो उनका रेंज निकल के आ जाएगा, राइट। तो क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है बच्चों, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊं, तो जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन दे दिया है 3, 2, 9, 2, 4 और 6। तो इसमें देखो बच्चों, अगर इसमें कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेंज, क्या है बच्चों, हमें रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो सबसे जो हाईएस्ट है बच्चों,
हाईएस्ट देखो क्या है 9, ठीक है, और लोएस्ट क्या है बच्चों, लोएस्ट जो है वो 2, तो रेंज निकालेंगे तो क्या हो गया H माइनस क्या हो गया L, तो यानी 9 माइनस 2 तो क्या हो गया 7, तो 7 क्या हो जाएगा हमारा रेंज निकल के आ जाएगा, राइट। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने करवाया, ओके। अब चलते हैं देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटीज। बच्चों प्रोबेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपसे डेली इनसे फैमिलियर्स होते हैं, क्योंकि क्रिकेट मैच होता है तो वहां तो बच्चों चांस तो लेना पड़ता है, ठीक है, तो चांस कैसे लेते हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है बच्चों अनसर्टेनिटी होती है, असंभव घटनाएं होती है, राइट। क्या होता है, असंभव घटनाएं अनसर्टेनिटी होती है, राइट। तो उसमें हमें दो वर्ड को समझना है, एक समझना है चांस, ठीक है बच्चों, और दूसरा है प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है बच्चों। तो देखो चांस कैसे बनती है, प्रोबेबिलिटीज कैसे बनता है, राइट। जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल आपको दें, अच्छा से एग्जांपल दें, मान लो हमने एक बैग ले लिया, राइट, इस बैग में हमने बॉल भर दिया, और एक जो है मतलब मान लो ये हमने उसको कलर कर दिए, दो बॉल्स को इस तरीके से हमने कलर कर दिए, ठीक है, और तीन जो है अनकलर बॉक्स है, राइट। तो इसमें अगर हम कलर बॉक्स की बात करें, कलर बॉल, ठीक है, तो वो कितने हैं बच्चों हमारे पास, 2, और अनकलर जो है अनसेडेड जिसको कह सकते हैं, ठीक है, अनकलर्स, ठीक है बच्चों, ठीक है, अनकलर बॉल जो है वो कितने हैं, 3। अब कह रहा है कि हमें इसका प्रोबेबिलिटीज बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रोबेबिलिटीज का जो सिंबल्स होता है ना बच्चों PE होता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ऊपर होता है बटे टोटल्स नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हमें अगर मान लो क्या है कलर बॉक्स का है ना, तो कलर कितने हैं 1 और 2, यानी 2, तो क्या लिखेंगे 2, और टोटल नंबर कितने इस बैग में बच्चों बताओ कितने हैं, 2 और 3 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। तो ये किसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया, कलर बॉल की प्रोबेबिलिटीज निकल के आ गया, ओके। अगर कहते हैं कि अनकलर बॉक्स की प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या होगा, आप इनको P नॉट भी कह सकते हैं, आगे मैं समझाऊंगा, तो P नॉट मतलब क्या होगा बच्चों, ये 3/5 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये 3 है टोटल तो 5 है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया, यानी प्रोबेबिलिटीज का एक फॉर्मूला ये भी होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटीज का होना और प्रोबेबिलिटीज का नहीं होना, राइट, दोनों मिलाकर के 1 होता है बच्चों। तो ये चीज आप याद रख लेना, प्रोबेबिलिटीज का होना प्लस प्रोबेबिलिटीज का नहीं होना दोनों मिलाकर के 1 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज का जो इवेंट होता है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ये याद रखना। इम्पॉसिबल असंभव घटनाएं जो होती है ना उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और जो 100% होता है, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया आज 100% जीत जाएगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, तो ये याद रखना बच्चों, क्लियर। और ये चीज, और प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालेंगे किसी भी डिजिट का, तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ये चीज अच्छे से याद रखना बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, मजे में समझ में आया होगा बच्चों। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लो, जिससे कि मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बहुत ही मजे आएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में, और आपको समझ भी आएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट है, इन सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करो और रिवाइज करो, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।